28 जुलाई पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का अधिकांश स्थान पर ही हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। एक दो जगह करके भारी बारिश भी हुआ है। हाईस्ट रेनफॉल था अंगुल डिस्ट्रिक्ट का आर के नगर 156.4 मिलीमीटर, उसके बाद कालांडी डिस्ट्रिक्ट का लंचीगढ़ 105.4 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल हुआ है 11.9 मिलीमीटर। भुवनेश्वर सिटी में रेनफॉल था 9.0 मिलीमीटर। अभी सीजनल रेनफॉल का जो स्थिति हमारा आया है, 1 जून से आज 28 जुलाई तक हमारा रेनफॉल टोटल हुआ है 452.8 मिलीमीटर। इस समय तक का स्वाभाविक है 515.6 मिलीमीटर, 12% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। देवगढ़ मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस रेनफॉल हुआ है और 16 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक रेनफॉल है, 12 डिस्ट्रिक्ट से स्वाभाविक से कम हुआ है, डेफिशिएंट कैटेगरी में है। बट अभी डेफिशिएंसी सभी जगह में ग्रेजुअली कम हो रहा है। और रेनफॉल फोरकास्ट जो है हमारा अगला 5 दिन ही सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश का संभावना है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 24 आवर्स में मयूरभंज, केंदुझर, बालासोर में एक दो जगह करके हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, और भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बड़ागढ़, सोनपुर, बलांगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर, नुआपाड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल हो सकता है। फिर कल 29th और 30th भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल रहेगा। 31st एंड 1st में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें रेनफॉल का इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ज़्यादा लोकेशन में होने का चांसेस है। इसमें हमारा मेनली जो है धान कनाल, अंगुल, बोध, संबलपुर, कंधमाल, सोनपुर, बलांगीर, बोराघाट, संबलपुर, सोनपुर, बोध, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, देवगढ़, झारसुगुड़ा, नवापड़ा, इसमें हैवी टू वेरी हैवी का हमारा वार्निंग है ये 2 दिन में। और बाकी नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी, साउथ उड़ीसा का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। और अभी भुवनेश्वर सिटी में जो है, भुवनेश्वर सिटी में एक दो स्पेल्स करके हल्का से मध्यम बारिश अगला 2-3 दिन में होगा। 31 जुलाई 1 अगस्त में भुवनेश्वर सिटी में भी फ्यू स्पेल्स ऑफ रेनफॉल होने का चांसेस है।